अगर आपको मर्डर केसेस या सीरियल किलिंग्स के बारे में जानना या सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हम जब भी कोई वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशंस ज़रूर मिले। हेलो एंड वेलकम टू क्रिमिनल माइंड्स। तो आज हम बात करेंगे एक घटना के बारे में जो कि लखनऊ में हुई है, जहाँ एक बच्ची ने कैसे अपने भाई और माँ को मार दिया। ऐसा क्या हुआ कि वो मजबूर हो गई अपने भाई और माँ को गोली मारने पे, या फिर कोई और ही वजह थी। लखनऊ का पोश इलाका गौतमपल्ली, जो कि चीफ मिनिस्टर के रेसिडेंस से 1 किलोमीटर की ही दूरी पर था, वहाँ डबल मर्डर केस ने पूरे शहर को हिला के रख दिया है, जहाँ एक लड़की ने खुद ही अपने माँ और भाई का खून कर दिया था। ये मर्डर रेलवे कॉलोनी में हुई, जहाँ सीनियर रेलवे ऑफिसर आरडी वाजपेयी का परिवार रहता था। आरडी वाजपेयी की बीवी मालिनी और बेटे शरद की लाश उनके ही घर से मिली और उनकी बेटी ट्रॉमाटाइज्ड कंडीशन में मिली, इसीलिए उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि उनकी बेटी ने ही अपने माँ और भाई को मार दिया है और उसने अपना गुनाह कबूल भी कर लिया। ये लड़की एक नेशनल शूटर थी। लड़की ने पुलिस को आगे कन्फेस किया कि उसने रेजर से खुद ही अपना हाथ काटा और बाथरूम के मिरर पे डिस्क्वालिफाइड ह्यूमन लिख दिया। इसके बाद उसने अपने गन में 5 गोलियां लोड की। पहली गोली उसने चलाई उस मिरर पर, दूसरी गोली उसने अपने भाई शरद के सर पर चलाई और तीसरी अपनी माँ मालिनी पर। कहा जा रहा है कि ये लड़की डिप्रेशन की मरीज थी। ऐसी घटनाएं दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। क्या हो गया है हमारे सोसाइटी को, जहाँ एक बच्ची ने अपने ही माँ पर गोली चला दी। अपने थॉट्स नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरे चैनल को विज़िट करके मेरे बाकी वीडियोस भी ज़रूर देखें। पीस।